नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आनंद वाली लाइफ के एक नवका व्लॉग में। मेरा नाम है आनंदीप, हम बनाते हैं डेली व्लॉग। हम थिएटर भी दिल्ली में ज्वाइन किए हुए हैं जिसमें एक्टिंग सिखाता। तो बात ऐसा है दोस्तों, अभी हम यूपी उत्तर प्रदेश कुशीनगर है वैसे, ये वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध अपना अंतिम सांस लिए। काफी ज्यादा ये टूरिस्ट वाला प्लेस भी है, आप लोग को घुमा भी देंगे कैसा जगह है पूरा। फिलहाल अभी का ये सीन है दोस्तों, हम आए हैं यहाँ पे नुक्कड़ नाटक करने के लिए। नुक्कड़ नाटक मतलब अगर जिनको नहीं पता बता देते, नुक्कड़ नाटक मतलब होता है कोई भी पार्टी करवाता, पार्टी या आदमी करवाता, जो भी पॉलिटिशियन इलेक्शन में खड़ा होता है ना वो अपने प्रचार प्रसार के लिए करवाता। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से करने के लिए। तो कल हम कर लिए थे, कल वाले ब्लॉग में देखे होंगे, जो लोग नहीं देखे हैं आज देख लीजिएगा क्या होता है। नहीं, हम आज से पहले जीवन में कभी नहीं किए, लेकिन इन लोगों को झूठ बोल के आ गए थे कि हम किए हुए, लेकिन जब किए ना तो सबका यही रिएक्शन था। आज तुमने एकदम कमाल कर दिया, कितना सही पूरा स्पीच बोला तुमने भाई साहब। मतलब जहाँ पे ब्रेक हो रहा था वहाँ पे तुमने एकदम आग लगा दी, अनु मलिक उसमें ना लगा दी भाई, आग लगा दी एकदम भाई, बवाल, आग लगा दी। देखिए मतलब कि टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, तो दिक्कत नहीं है कोई चीज का, आप तो जान रहे। और मेन बात इसमें जो है ना सब है गला, कितना जोर से आप बोल सकते हैं ये वो। फिलहाल मतलब कि पैसा खर्चा किया है लोग इलेक्शन में, इतना भयंकर पैसा खर्चा, इतना भयंकर क्या बता। हम लोग अभी 5 आदमी का टीम है, 2 लड़का 1 लड़की। तो हम लोग को सबको होटल में रखा है, 2 टाइम खाना फ्री में, जो खाना खाइए नॉन वेज वेज जो खाना खाइए, फिर गाड़ी से लेके जाता है, गाड़ी से लेके आता, समझ रहे। इतना ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ है इलेक्शन सब में, इतना ज़्यादा पैसा। अपना लोग की तरफ होता होगा लेकिन यहाँ कुछ ग्रांडे लेवल का, बहुत अलग लेवल का। तो जितना खर्चा कर रहा है उतना कमा भी लेगा जीतने के बाद। कल जानते हैं ई वाला टी शर्ट नहीं, व्हाइट वाला हम पहन के नॉन वेज खाने चले गए, साला दाग लग गया, धोते धोते हाथ देख रहे रेखा मिट गया मेरे हाथ का। और आज फिर 2 टी शर्ट, ऐसा 2 टी शर्ट दे दिया है सिर्फ नुक्कड़ नाटक करने के लिए, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का टी शर्ट। चलिए 2 टी शर्ट हो तो फायदा हुआ, रूम टूर अभी दे देते। मूर देखिए, गेट से एंट्री लिए, ये हुआ अपना रूम, इसमें हम और एक और आदमी रुका हुआ है। एसी सब भी है लेकिन चलाए नहीं है, क्योंकि देखिए दिल्ली में भी एसी में रहते नहीं थे, चला लेंगे झूठ मूठ से सर्दी वर्दी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। नहीं, हम शुद्ध गरीब है। टीवी कवर्ड सब कुछ मतलब दिया हुआ, बाथरूम भी है काफी आलीशान, खिड़की देखिए कितना बढ़िया, मतलब खिड़की के बाहर अभी मोर भी दिखी थी। और ये फेस वाश देख रहे हैं दोस्तों, मेरे ग्रुप में 5 जो आदमी है सबको लगा ये बॉडी लोशन, साला देह में पूरा रगड़ लिया, सबको एलर्जी होने लगा। ये हमको दिया था एक्ने के लिए, पिंपल के लिए, ठरकी वाला जो डॉक्टर, याद है ना। फिर दोस्तों थोड़ा देर में अब गाड़ी आएगा, गाड़ी के साथ चलेंगे फिर से नुक्कड़ नाटक करने के लिए। ऐसा प्रोग्राम रहेगा, सुबह 7 से लेकर 10 तक 3 करना है, और शाम में 6 से 8 तक के बीच में 2 करना, ऐसा रहे। तो चलिए आज देखते हैं कैसा रहेगा, आज मेरा दूसरा दिन है यहाँ दोस्तों। अभी जो हम करने आए हैं ना बीजेपी की तरफ से करने आए हैं, देखिए हम एक आर्टिस्ट है, मेरा काम है, हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर, जो जेन्युइन बात। देखिए मेरा जो लॉजिक है ना यहाँ आने का, नुक्कड़ नाटक करने का, बहुत अलग है। जीवन में अगर आपको कोई भी अलग एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है ना तो करने का जरूर कोशिश करिए, यही आपके जीवन को सफल बनाता है। और नुक्कड़ नाटक जो है ना एज ए एक्टर आपको निखार देगा, पूछिए कैसे निखार देगा। 10 आदमी के बीच में खड़ा होकर अगर आप कुछ बोल सकते हैं तो समझ लीजिए आपके पास बहुत बड़ा कला है। हम बोल सकते हैं 10 से 100 आदमी के बीच में, लेकिन उसको प्रैक्टिकल कभी बढ़िया से नहीं किए, तो ब्लॉग बना के तुम किए, लेकिन 10 आदमी कहीं अपने काम में व्यस्त है, उसको बुला अपना चीज दिखा दे, अलग लेवल का टैलेंट हुआ, समझे। और वो तो जानते हैं हम कितना टैलेंटेड। खैर दोस्तों चलिए अब चलेंगे, थोड़ा सा देखते हैं आज का क्या सीन होता है, अभी गाड़ी आएगा। चल देखिए गमछी भी प्रोवाइड किया गया है कैंडिडेट के द्वारा, जिसके लिए प्रचार करने आए हैं, कमल का फूल भी है। अब हम मेरा क्या पॉलिटिकल ओपिनियन है ये हम किसी दिन और बताएंगे आपको, समझे। खैर चलिए गाड़ी का इंतजार है, गाड़ी आएगा उसके बाद रौला दिखाते हैं दोस्तों। सब पे पहुंच गए हैं, अब यहीं पे कार्यक्रम चालू होगा। A few moments later. दोस्तों वहाँ पे सफिशियंट क्राउड नहीं था, आप जानते हैं हम लोग जहाँ परफॉर्म करते हैं वहाँ पे आदमी खचाखच भीड़ लगना चाहिए, तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे खचाखच भीड़ होगा। चलिए वहाँ पर रौला चलेगा अपना। दोस्तों पहला नाटक खत्म हो चुका है, नुक्कड़ नाटक, अभी सुबह में 3 करना है। फिलहाल चाय का आनंद ले रहे हैं और ये निमकी है, फुल रौला है दोस्तों। ये देख रहे दोस्तों अभी यहाँ पूरी सब्जी जिलेबी आ गया है दोस्तों। सेकेंड लोकेशन ही है दोस्तों, घर देखिए कितना बढ़िया, भोजपुरी फिल्म का सेटअप लग रहा है। यहाँ पे जानते हैं हम लोग जो मांगते हैं ना, मतलब मांगने के साथ ही हाथ में आ जाता है। अभी मुलेठी मांगे थे, देखिए मुलेठी से होता है क्या, आवाज बढ़िया से निकलता है, तो मुलेठी आ गया। 15 लेटर दोस्तों दूसरा शो भी हो गया है, एकदम बवाल रहा ये वाला, तो एकदम बवाल रहा चलते चलते किए। यहाँ पे जानते हैं इस गाँव में एक चीज नोटिस किए हैं, इस गाँव में पूरा मतलब सब एकदम से
पैसा की कमी नहीं है, गांव में बड़ा फीलिंग नहीं आता है। पीछे हम देख रहे हैं घर लग रहा भोजपुरी फिल्म का सेट है, इस हिसाब से मतलब कि यहाँ सबके पास पैसा है। गाँव मतलब वो नहीं है कि कहीं पे ढड्डी लगा हुआ है या कहीं पे किसी घर नहीं, ऐसा नहीं है, सबके पास घर है अपना, दो मंजिला वो में, समझ रहे हैं, पूरा एकदम भाड़ा पूरी। गा दीजिए अरे बेटी ब्लॉगर को सब्सक्राइब कर दो इसको, बाबा सिर ब्लॉगर। चलिए दोस्तों अब तीसरे जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे रौला चलेगा। आ जाइए थोड़ा करीब आ जाइए, शर्माइए मत, काफी दूर दूर से आपके लिए आए हम लोग कलाकार बनके नाटक दिखाने के लिए। आइए आइए आइए, नाटक अब यहाँ शुरू होता है, नाटक का पहला दृश्य। ओए माँ, माँ तेरा बेटा सनी आ गया। अरे वोट उसी को डालना है जो नाली के ऊपर कवर लगवाएगा, वोट उसी को डालना है जो घर घर नहीं पहुँचाएगा, समझ रहा है बेटा? चाचा अब हम समझ गए कि वोट किसको डालने। एक वोट जी एक वोट, एक वोट जी एक वोट, अरे एक वोट जी एक वोट, अरे एक वोट जी एक वोट, अरे माता का भी एक वोट, अरे चाचा का भी एक वोट, अरे भाभी का भी एक वोट, एक वोट जी एक वोट, एक वोट जी एक वोट, सरकार बनाते हैं एक वोट, सरकार के आते हैं एक वोट, अरे एक वोट जी एक वोट, एक वोट जी एक वोट। दोस्तों सुबह का तीन नाटक करके आ गए हैं रूम पे, अब यहाँ पे आराम करेंगे, शाम में फिर दो नाटक है। बताइए आपके पास ऑनलाइन पेमेंट है कैश? ऑनलाइन कितना? 135। हाँ समझे, तो अभी आराम करेंगे 5-6 घंटा, उसके बाद लगभग शाम में जाएंगे 4-5-6 बजे फिर से दो नाटक करना, फिर सो जाएंगे। दोस्तों ऐसा जीवन है, वाह मजा आ रहा है। लेकिन जानते हैं होटल सब का आज भी सीन है, देखिए कैसे कैसे बेड लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पे मतलब कि ये लगा दिया है बेड है चक्का वाला, देखिए देख रहे हैं, अभी साला इधर घसक गया, अब लग गया। उससे भी अजीब बात बता, देखिए ये जो कम्बल है ये कम्बल पूरा शरीर पे नहीं आएगा, जैसे इसको खींचे हम ये खींचेबे नहीं करे, देखिए खींचेबे नहीं करेगा, लसक जाता। अभी क्या गांजा मार के बनाया है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, मेरे समझ से बाहर, हम ये सब काम ना 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 ना। दोस्त कौन सा शतरंगी शौक है दोस्त, अरे दोस्त बताओ ना थोड़ा सी, कौन सा शतरंगी शौक है ये? दोस्तों तभी से 50 बार कूदा इस बेड पे, टूट गया होगा पौवा इसका, अच्छा पौवा नहीं है इसमें, नहा सुना भी लिए हैं। अब अगले ब्लॉग में देखिएगा कर्नाटक कैसा होता है नहीं होता, सब कुछ बताएंगे अगले ब्लॉग में। ठीक है दोस्तों, कल सुबह 10 बजे पहुँच जाइएगा, डेली सुबह 10 बजे ब्लॉग आ जाता है मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों, जीवन जीते रहिए, मेरे से प्रेम प्रसंग करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आपस में प्रेम प्रसंग होना चाहिए।